नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और दर्शकों मैं आया हूं श्री देव वेल्डिंग वर्क स्टेशन रोड चर्च के पास नया गांव जिला नीमच मध्य प्रदेश पर, जहां पर किसान भाइयों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए मोटरसाइकिल पर जो है जुगाड़ का काम बहुत ही संतोषप्रद और मजबूती के साथ में किया जाता है। आज इनके द्वारा कुछ और जुगाड़ जो मोटरसाइकिल पर हैं बनाए गए हैं और उनकी जानकारी लेने के लिए हम यहां पर आए हैं। आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा ताकि अगर आप भी इस प्रकार के जुगाड़ बनवाना चाहते हैं तो आपको पूरी जो है जानकारी मिल सके और आप भी जो है अपने लिए इस प्रकार के मजबूत जुगाड़ अपनी मोटरसाइकिल पर बनवा सकें और अपने कार्य को आसान बना सकें। वीडियो के साथ में बने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे वर्कशॉप जो वेल्डिंग वर्क्स में। जैसा कि जुगाड़ पहले आप कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और हम बनाते रहते हैं, कुछ नया हमेशा करते ही रहते हैं। बाहुबली जुगाड़ आपने इससे पहले भी देखे हैं और ये नया बाहुबली बनकर तैयार है। इसमें कुछ सिस्टम हमने चेंज किए हैं, कुछ बढ़ाए हैं, कुछ कम किए और कुछ बढ़ाए हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँगा। जैसा कि ये बूम स्प्रे हमने लगाया है, तो बूम स्प्रे में पहले यहाँ पर लोहे के छड़ का इस्तेमाल करते थे, इसमें पांचों फुहारे एक साथ होते थे, लेकिन अब इसमें फ्लेक्सिबल टाइप का इस्तेमाल किया ताकि इसमें किसान साथी इसको पास भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं और लंबा चौड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 200 लीटर का टैंक इसमें पहले भी देते थे और नली रोल के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें पहले भी था, अब भी है। इसमें एक सुविधा और हमने बढ़ा दी है कि जो पीछे कल्टीवेटर लगता है वो हाइड्रोलिक जैक पर हो गया है, ताकि वो जैक से ऊपर नीचे होता है। जो पैर पे लगता था वो पैर वाला हटा दिया है, पैर वाला भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम भी इसमें हमने लगा दिया है। 500 फीट नली इसके साथ आएगी, ऑटो रिफिल ड्रम में पानी भरने के लिए सिस्टम पूरा साथ में आएगा और ड्यूल गियर के साथ में ये है तैयार मिलेगा। अच्छा मदन जी, इसमें जो आपने सिस्टम बढ़ाए हैं तो पहले की अपेक्षा कीमत में क्या फर्क है? कीमत तो बढ़ी है इसमें, कीमत इसमें 810,000 रुपये खर्चा बढ़ चुका है। अच्छा अच्छा, अभी जो इसमें पंप लगा हुआ है, जो उस साइड में आपने जो पंप लगाया है उसकी क्षमता कितनी है? उसकी क्षमता जो अपने ट्रैक्टर में जो मोटेड पंप लगता है 75 नंबर 60 नंबर, वही पंप इसमें लगाया हुआ है। बस ये है कि ट्रैक्टर का इंजन बड़ा होता है तो उसकी कैपेसिटी ताकत ज़्यादा होती है, तो 1,000 फीट तक 2,000 फीट तक पानी फेंकता है, लेकिन मोटरसाइकिल में ताकत कम होती है तो हमने इसको 500 फीट नली में सीमित किया है। अच्छा, 500 फीट नली तक ये स्प्रे कर सकता है, मतलब 500 फीट की दूरी तक? 500 फीट तक बिना किसी परेशानी के कर देगा। 500 फीट के ऊपर आप लगाना चाहेंगे तो गाड़ी का इंजन छोटा पड़ता है, यानी गाड़ी का इंजन दब सकता है, तो 500 फीट में आपको आराम से बढ़िया प्रेशर मिलेगा। 15 जो नोजल लगे हुए हैं वो फुहारे आपको एकदम अच्छे स्प्रे करेंगे, इसमें आप नीचे भी लगा सकते हैं, इसी पाइप को ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी बागवानी में भी इसके द्वारा स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो टायर वगैरह जो लगाए हैं आपने पीछे की तरफ, इन टायरों में क्या पहले की अपेक्षा कोई डिफरेंस है? नहीं, टायर वही है 19 नंबर, बस ये है कि थोड़ी कंपनी हमने चेंज कर दी है, बड़ी बुद्धी वाले टायर है ताकि खेत में भी चलने में थोड़ा गीला भी हो तो भी आराम से बड़े ग्रिप में काम कर सके, और ट्यूब में जो हवा भरने का नलकी सिस्टम होता है वो हम उसके बीच सेंटर में देते हैं ताकि पाए उसके ट्यूब के ऊपर लोड ना पड़े। अच्छा मदन जी, ये जो आपने बनाया है अभी वर्तमान में, मोटरसाइकिल को छोड़ करके इसकी कीमत कितनी है? मोटरसाइकिल को छोड़कर इसकी कीमत आपके 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में रेडी करके आप किसान भाई को अवेलेबल करवा देंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं चाहिए तो वो आपको 72 में मिल जाएगा। अच्छा, ये अभी हाइड्रोलिक है, कल्टीवेटर इसमें हाइड्रोलिक है। हाँ। अगर वो हाइड्रोलिक नहीं होगा, पेड़ से उठाने वाला होगा, तो उसके 8,000 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब 72,000 में मिल जाएगा। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर काफी समय से आपने स्मार्ट गियर का सिस्टम शुरू कर दिया है, तो इसमें कौन सा गियर वगैरह लगा हुआ है? स्मार्ट गियर नहीं है क्योंकि स्मार्ट गियर में न्यूट्रल सिस्टम नहीं होता है, तो न्यूट्रल सिस्टम में ये काम नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, वो स्मार्ट गियर की आपने बात चलाई, उसमें भी आपको बता दूं हो सकता है अगले वर्ष में स्मार्ट गेट भी इसमें लगना चालू हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी मदन जी, मैं और भी आपके यहाँ पर काफी जुगाड़ देख पा रहा हूँ, ट्रॉली वगैरह तो आप फेमस हैं काफी। तो हम हमेशा बनाते हैं, स्मार्ट गेयर में ही बनाते हैं, 5 गेयर में हमने बनाना बंद कर दिया है, जो समस्या आती थी, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये इसमें बाहुबली सिस्टम पूरा नहीं है, पर इसमें हाइड्रोलिक वाला कल्टीवेटर सिस्टम है। हाइड्रोलिक वाला कल्टीवेटर सिस्टम है जो कि खरपतवार हटाने के लिए काम आएगा। अच्छा, ऊपर आपने हुड भी अब परमानेंट कर दिया है? नहीं, ये हुड अलग से लगता है, ये पंजाब मॉडल वाला हुड, अगर किसी ग्राहक बंधु को चाहिए तो ही लगेगा, इसका चार्ज भी अलग है। चार्ज भी अलग रहेगा, अगर आवश्यकता हो तो लगवा सकते हैं। अच्छा, अभी जो ये आपने हाइड्रोलिक वाला कल्टीवेटर बनाया है, इसमें जो इसको उठाने का सिस्टम है, ये जो पंप लगा हुआ है इसमें, तो ये इसमें क्या ऑयल वगैरह लगता है, तो कितना ऑयल वगैरह लगता है इसमें, कितना खर्च आएगा? 3 लीटर ऑयल लगता है इसमें।
3 लीटर ऑयल डालना पड़ेगा। और इसको रिफिल कब करना पड़ता है? रिफिल करने का क्या? रिफिल होता नहीं, अगर खत्म हो जाए तो डालना है। अच्छा, खत्म हो जाएगा तो ऑयल डालना है अपने को, जैसे बाइक की सर्विस में होता है। सीजन में खत्म नहीं होता है क्योंकि एक सीजन मुश्किल से 15 से 20 दिन चलती है। अच्छा अच्छा, उसमें नहीं होगा। अच्छा मदन जी, इसकी क्या कीमत आपने रखी है हाइड्रोलिक कल्टीवेटर की? सिस्टम की आपको 54,000 रुपए में तैयार होगा। 54,000 रुपए में केवल ये जो नीचे वाला पीछे वाला बाइक के पीछे का सिस्टम है? हाँ, ये तैयार होगा। अगर मान लो किस कल्टीवेटर आ जाएगा और अगर आपको ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए तो ये फिर कम हो जाएंगे, फिर आपको ये 42,000 में मिल जाएगा। अच्छा, 42,000 में मिल जाएगा अगर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं चाहिए तो। अच्छा, ऊपर जो हुड आपने अभी वर्तमान में लगा रखा है, अगर कोई लगवाना चाहे तो इस हुड के समेत इसकी कितनी कीमत है? हुड के समेत इसकी 56,000 कीमत हो जाएगी। 56,000 रुपए कीमत हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर रेडी आप देख सकते हैं, ये दो जो कल्टीवेटर के हाइड्रोलिक कल्टीवेटर के जुगाड़ हैं, ये रेडी पड़े हुए हैं। और भी मदन जी, साथ में मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि आपने रिवर्स वाला देख लिया, हाइड्रोलिक सिस्टम भी देख लिया, लेकिन ये सिर्फ सादा ओनली फॉरवर्ड जुगाड़, ये ओनली फॉरवर्ड है, चेन वाला सिस्टम जो अच्छा। पहले ही बनता था और अभी बनता है जो सदाबहार है, इसकी कीमत काफी कम है। और ये वाला भी पिलर इसमें पीछे लग जाएगा और इसमें जो पैर से उठाने वाला सिस्टम होता है वो लग जाएगा, पंजाब मॉडल इसमें हुड लगाया हुआ है जी। इस हुड के पैसे अलग रहेंगे, बाकी आपको ये कल्टीवेटर वाला जुगाड़ 30,000 रुपए में मिल जाएगा। मात्र 30,000 में और मात्र 16,000 से जुगाड़ हमारे यहाँ पर शुरू है, यानी कि 16,000 में भी आपको जुगाड़ मिलना चालू हो जाएंगे, जिसमें आप अपने हाथ वाले घर पे लगा करके अपने खरपतवार का निवारण कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आप बना रहे हैं मदन जी, और काफी कम कीमत में काफी मजबूती के साथ जुगाड़ बना रहे हैं। अगर चाहते हैं हम यहाँ लेने ना आए तो हम ट्रांसपोर्ट द्वारा भी उनके यहाँ पर पहुँचा देंगे, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, इंडिया से बाहर हो। और अगर कोई बोले हमें जुगाड़ नहीं चाहिए, सिर्फ सामान चाहिए, तो उनको सामान भी हमारे द्वारा पहुँचा दिया जाएगा, चाहे कल्टीवेटर चाहिए, चेन, स्पोकेट, स्मार्ट गियर, सभी तरह के सामान भी, सभी तरह का सामान हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और ट्रॉली वगैरह में बात करें मदन जी, तो अभी वर्तमान में एक ट्रॉली बनी हुई है, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है, पश्चिम बंगाल जाएगी सिलीगुड़ी में। अच्छा अच्छा, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है जिसमें बिना चेन वाली, यानी कि जो स्मार्ट गियर वाली गाड़ी बनती है, ये वही सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी तरह का चेन का इस्तेमाल या चेन बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये ट्रॉली अगर कोई बनवाना चाहे तो क्या कीमत में बन जाएगी? अगर हाइड्रोलिक ट्रॉली आप बनवाना चाहते हैं स्मार्ट गियर में बिना चेन वाली, तो वो 72,000 यानी कि 72,000 में सिर्फ ट्रॉली बनेगी। और अगर वो चेन वाली बनाना चाहते हैं जो पहले बनती थी, वो 65,000 में ट्रॉली मिल जाएगी। मिल जाएगी, और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगेगा 72,000 में। और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं चाहिए तो वो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये जुगाड़ आपने किसान भाइयों देखे हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। और आप अगर बनवाना चाहते हैं तो लगातार आपकी स्क्रीन पर जो है मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क करके अपने लिए या तो बाहुबली जो स्प्रे जुगाड़ है ये भी आप बनवा सकते हैं, हाइड्रोलिक कल्टीवेटर इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है ये भी आप बनवा सकते हैं इनसे, और ट्रोलियां तो ये काफी समय से बना ही रहे हैं, तो अगर आप ट्रोली भी बनवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए दर्शकों, उनसे मिलते हैं जिन्होंने ये स्प्रे पंप जुगाड़ बनवाया है श्रीदेव वेल्डिंग वर्क्स पे। तो जी भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अशोक काकड़ है और बिजोलिया से यहाँ पर ये जुगाड़ बनवाने आए हैं। अच्छा अच्छा, इस जुगाड़ को बनवाने की आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? ये जुगाड़ यहाँ पर बनाए जाते हैं? ये हमारे उधर जुगाड़ लेके आए किसी ने, तो उन्होंने जानकारी दी, वहाँ से फिर। अच्छा अच्छा, तो आप अभी जो आपने जुगाड़ यहाँ पर बनवाया है, आपने इसको चला करके टेस्ट करके देखा है? हाँ, देखा है। तो आप संतुष्ट हैं, बढ़िया जुगाड़ बना है? हाँ, एकदम बढ़िया है। अभी तो हम जाके इसको वहाँ खेत में भी चलाएंगे, देखेंगे। हाँ, मतलब अभी तक आपने इसमें पानी वानी भर के स्प्रे वगैरह की पावर वगैरह क्षमता तो देखी होगी? वो अभी तक हमें ठीक लगी है। ठीक लगी, बढ़िया लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और उन्हें भी अगर इस प्रकार का बाइक के पीछे जुगाड़ बनवाना हो तो वे श्री देव वेल्डिंग वर्क्स स्टेशन रोड चर्च के पास नया गाँव जिला नीमच पर संपर्क करके बनवा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।